पिछले 15 सालों तक जिस शहाबुद्दीन के भय दिखाकर बिहार की सियासत में एंट्री करके सिवान से अपने राजनीतिक कद को श्याम बहादुर सिंह ने बढ़ाया है, श्याम बहादुर सिंह यह वही नेता हैं जो शहाबुद्दीन को सरेआम मंच से कभी चुनौतियाँ दिया करते थे, शहाबुद्दीन से नहीं डरने की बात करते थे और शहाबुद्दीन के विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते थे। ये श्याम बहादुर हैं, जेडीयू के नेता, पूर्व विधायक, लगातार 3 बार विधायक रहे, जेडीयू से नीतीश कुमार के सह पर शहाबुद्दीन को चुनौती देते रहे, लेकिन अब शहाबुद्दीन के परिवार का हिमायती बन रहे हैं श्याम बहादुर। श्याम बहादुर सिंह ने हमारे संवाददाता चंदन से बातचीत में कई सनसनीखेज खुलासा किया उनके परिवार के प्रति। बताई वो परिवार में बाकी अब वो परिवार में बाकी उनकी पत्नी उनका बेटा हाँ तो रहे करी सिंह थी ये सरकार चलावता सबका बारे में सोची ये सब दुर्घटना पर निश्चित रूप से सरकार चिंता करी चिंता बा। नीतीश कुमार से बातचीत हुई थी ना साहब से? हाँ भइल हुई। क्या बात हुई थी अभी होने की जानकारी? तो आपने कैसे कहा कि पहले वही सब लोग आवाज नहीं उठा रहे थे पहले नीतीश कुमार जी ने ये किया? अच्छा मीडिया में रहे पेपर में रहे सब पूछ रहे यार दिल्ली से दिल्ली में भी न्यूज छपा रहा है सबसे पहले बात कैलन किन से बात हुई थी? हिना साहब से। क्या बात हुई थी? वहन उन्ने का जानकारी हम रही थी बगल में तब नू मुख्यमंत्री को बात बतावे न जो पूछ जी का पति होनी ना पति होनी। आप लोगों ने क्या सोचा है शहाबुद्दीन के परिवार के लिए कुछ आप लोगों ने सोचा है उनकी पत्नी होनी? बहुत कुछ सोचल बा बताइए। अभी तो दूसरा दल में बालो जी हमारा दल में ही है स्वागत बा एकदम स्वागत बा आओ तब न बारे में सोचाई कि आधा रात खान खोखी आवे संजय से मुँह बावे तो मतलब कि लाने के लिए कुछ आप लोग से बातचीत हुई है? कुछ हमारा दल के कुछ लाए रहे नेता। किन से बात हुई? हिना साहब से कई माइनॉरिटी है क्या हमारा दल में बड़े बेचारे अब सिंपैथी से आए लोग तो पार्टी का तो ऊपर तो मीडिया के लोग पूछल कुछ बातचीत हुआ ना वो परिस्थिति में कौन कि ना वो परिस्थिति खातिर हम नहीं खियाई अपनी फिलहाल पीड़ित परिवार के सांत्वना देवे आयल बनी ऐसा बात हुई तब बतिया। तो क्या लग रहा है कि आगे मतलब कि वो लोग अगर आप लोग जेडीयू की तरफ से ऑफर देंगे उनको आने के लिए उनकी पत्नी को उनके बेटे को? वो चाहिए तो ऑफर दिया ही ना चाहिए ना ऑफर दिया ही चाहिए तो इच्छा जाहिर करी है तब नो इच्छा छुपे ला इच्छा जाहिर करी है तो आजो ऑफर बा अबे ऑफर बा हम ही जाए वैसा को नीतीश कुमार से गलती थोड़ भइल बा जो जाए लगने के प्रताप वो आदमी वैसा बात नहीं के भइल। जाएंगे आप? हाँ काहे ना जाए। किन से मिलेंगे और क्या बातें होंगी? हिना साहब से मिले इस राजनीति के सवाल पर अभी तो हाई कुली थोड़ा समय आ दी है अभी चल साहब आ कोई चीज़ गया तो मिलेंगे तो क्या बात क्या कहेंगे आप उनसे? हम कहेंगे हमारा दल में चली अब जानो अबानी भी सकून नहीं है वो दल नहीं है वो दल दल हो गई बा वो जो केहू के प्रतिष्ठा नहीं है तेजस्वी जी के रिजिम में केहू के प्रतिष्ठा नहीं है लालू जी दूसरा ढंग के राजनीति कहीं नहीं ये लोग दूसरा ढंग के राजनीति करता लेकिन आप ही के नेता को उन्होंने कहा था शहाबुद्दीन परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं है? तो कौन है परिस्थिति दो टाइप के होला निम्नों में बा खराबों में बा दू गो संसलोक लगावता जैसे बाबा लगावता नहीं परिस्थिति के मुख्यमंत्री यहाँ कहाँ अब ही खातिर यहाँ के जेल में चल गए नहीं गुमराह कर जता लोग के कौन परिस्थिति में रह बेल भइल आटक फाटक तुरंत गाड़ी ढाह चल जाए लॉ एंड ऑर्डर नाम के बिहार में कुछ नहीं है रहे निश्चित रूप से अगेंस्ट से सरकार हमारे गई कोर्ट में कोर्ट के हिसाब से सब भइल सब धाई दे फाटक एक बेर जितना बिहार फाटक बनल बा बहुत लोग छूटल बा बहुत लोग गाड़ी काफिला बा वैसा वैसा काफिला बहुत बहुत लोग आयल बा आनंद मोहन करे बहुत लोग रहे नहीं आ रहा है थोड़ा सा लोग जानना चाहते हैं पहले कर तो नहीं अबो करेब चूँकि हमारा से रिश्ता उनका कबू खराब नहीं कर रहा किनका रिश्ता बताइए खुलकर शहाबुद्दीन साहब से अब तो नहीं खन लेकिन अब पीड़ित परिवार बा तो सब दल के लोग सांत्वना दी हमू देवता नहीं कि भाई भगवान ने ये दुख के सहन सहे के शक्ति देश आई जिंदगी कहो ते पर जो उंगली उठावता वो गलत बात बा पार्टी बा पाटा पार्टी रही उससे मतलब नहीं है इस एक घड़ी में मुनासिब नहीं है अब रहल कुछ लोग कहता कि लाश काहे ना गई पटना अथी अथी शहाबुद्दीन साहब के तो मुख्यमंत्री जी कई दोष बा
मुख्यमंत्री सवाल को उठाई नहीं तो समाचार ना पूछती, उनका दल के लोग ना पूछत रहे, समाचार केहू ना पूछत रहे। लेकिन एक बैग ये कोरोना के महामारी में सिवान के जो हालात रहल बा, सिवान के जो स्थिति परिस्थिति रहल बा, सिवान में जो रुआ देखले बनी ताहिरा कांड मुजाहिदा कांड, आजो सिवान से उबरल नहीं है। यहाँ के रिजिम में सुख शांति मन चैन बाई बा जरूर बा, लेकिन ऐसा अगर होसन भूल भर सिवान तो निश्चित रूप से साहबुद्दीन साहब के देश पट्टी सिवान इलाके मतलब रहे, CID के रिपोर्ट रहे, विजिलेंस का रिपोर्ट रहे कि दंगा फसाद हो जाए। नौजवान साथी जो 18 साल बच्चा बा जो जेले में उनका देखा शुरू से तो घरे अला के बाद दरवाजा बल्ला से अला के बाद स्वाभाविक वगैरह रोड पिनट पड़ी, सेंटीमेंट टूटी तो दंगा फसाद हुई। नीतीश कुमार को साधारण खिलाड़ी ना हुआ, वह को राजनीति बजी उल्लास अपन ले जाए। भारत सरकार के अनुमति की जरूरत रहे, भारत सरकार भी परमिशन देवे से इनकार कर गई कि दंगा फसाद हो जाए, UP सरकार भी इनकार हो गई कि दंगा फसाद हो जाए। वो परिस्थिति में ये भइल, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन पूर्व सांसद थे तो राजकीय सम्मान तो देना चाहिए था ना? ये कौन जरूरी बा, राजकीय सम्मान सबका ना मिलला, ये कौन जरूरी नहीं है, ये कौन जरूरी नहीं है ना। सबका राजकीय सम्मान मिल लगे तो का कल जाए, जगमाती चाची मरण वहाँ के तो राजकीय सम्मान के साथ ना भइल दा संस्कार। दामोदर भाई मरल है, राजकीय दास ना भइल को नहीं आती है और बहुत कारण बा। अब तो बताओ नहीं कि दंगा फसाद हो जाए, इस्तेमाल उतना फोर्स के व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब कि आज भी शहाबुद्दीन से आपकी सरकार और आप लोग डरते हैं? अब काहे के डर के वजह नहीं खनता, सब कुछ आप ही बोल रहे हैं, फोर्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो रुआ पूछा था नहीं काहे सिवा ला सजतावना के बात लोग कहता नहीं काहे ना आई, अब मंगाओ करो तुम हम सवाल के जवाब देते हैं काहे ना आई तो बहुत दूर की चीज़ हो गई, उस समय निकल गई। आपकी सरकार काफ़ी मेहरबान है उसामा साहब पर और उनको सुरक्षा कर्मी भी दे दिया गया है, दो गार्ड दी गई, क्यों इतना मेहरबान है? अब उनको कौन पूछे, बोले टूने साहब टूने भाई कोई उगाट बा अभी हमारे अकेले भाई के एक गोवा आपके पार्टी में था ना, BJP आपके NDA में थे, लेकिन वो RJD और जो व्यक्ति तो अब एक मिनट जो व्यक्ति विरोध किया है आपके नेता का और उनके बेटे को गाड़ दे दिया गया, क्यों मेहरबान है इतनी नीतीश कुमार उसामा पे? मेहरबानी वाला बात हमें नहीं है, मेहरबानी वाला बात नहीं है, ये परिस्थिति में गार्ड मिलल बा देब नहीं, नीतीश कुमार जी देवे के चाहिए, वैसे बहुत मिलल बा। क्या कुछ खतरा है क्या उसामा को? है कुछ खतरा है उसामा को? खतरा हो ना सकेला, खतरा हो सकेला वैसा चीज़ नहीं है, खतरा ना हुई। मान ली कि साहबुद्दीन साहब से गलती भइल रहे तो एवज में कहीं दर दुश्मन ही बा, कोनो घटना घट जाओ तो सचेत रह, डिमांड कैले हुए तो वो गार्ड दिल बड़े बेचारे देवे के चाहिए। तो सरकार आपकी है और तब भी डर है कि खतरा हो सकता है? कौन सरकार में खतरा ना हुई, सब सरकार में खतरा हुई, लेकिन अब जेंगे लोग ढहात रहे वो नहीं है, अब मारे वाला भी सोचता है अब उपाय नहीं है, बक्साए बना बहुत केस ऐसा स्पीडी ट्रायल होता 3 महीने के अंदर सब उपाय हुई, परिस्थिति नहीं।